नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 अगस्त दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए तकनीकी कमेटी का किया गठन। पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना का ले लाभ। प्रदेश में पुल पुलियों के सर्वे के बाद हुआ बड़ा खुलासा। समाज कल्याण विभाग बाल गृह से निकलने वाले किशोर किशोरियों के संवारेगी करियर। हिस्ट्री 2 में पंकज त्रिपाठी का प्रदर्शन रहा शानदार। जल्द आ सकता है डेंगू वैक्सीन, तीसरा ट्रायल की चल रही तैयारी। आईपीएल 2025 और ज्यादा मनोरंजक बनाने की चल रही कोशिश। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IBPS ने 4000 से भी अधिक पदों पर निकाली भर्ती। IBPS द्वारा 4000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए तकनीकी कमेटी का किया गठन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी हाल में ही संसद में आम बजट पेश करते हुए बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए वित्तीय सहायता का ऐलान किया था। अब इस ऐलान के तहत केंद्र सरकार ने तकनीकी कमेटी का गठन किया है जो बाढ़ रोकने के उपाय बताएंगे। केंद्र सरकार के इस पहल की जानकारी जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की NDA सरकार ने बिहार को बाढ़ की समस्या से निदान दिलाने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। ये समिति DPR तैयार कर बाढ़ की समस्याओं से निदान दिलाने की दिशा में कार्य करेगी, साथ ही बिहार को बाढ़ की विभीषिका से राहत दिलाने में मदद करेगी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरे बिहार वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अब नई व्यवस्था के आधार पर होगा दाखिल खारिज का निपटारा। पिछले साल 1 मार्च को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फीफो यानी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट सिस्टम को लागू किया था। अब इस व्यवस्था को लेकर विभाग ने कहा है कि आवेदनों के निपटारे में इसका अनुपालन किया जाए। इस हलके की जिम्मेदारी सम विषम के आधार पर तय की गई थी। इसमें अंचलाधिकारी को सम संख्या वाले हल्के की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं राजस्व अधिकारी को विषम संख्या वाले हल्के की जिम्मेदारी दी गई है। 3 कार्य दिवस में राजस्व कर्मचारी रिपोर्ट करेंगे कि आवेदन में दिए गए दस्तावेज सही है या नहीं। यदि दस्तावेज में किसी तरह की कोई त्रुटि पाई जाती है तो अंचलाधिकारी 24 घंटे के अंदर उसमें सुधार कर उसके आवेदक को लौटा देंगे। पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना का ले लाभ। पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना चलाई जा रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के मत्स्य कृषक इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत तालाब निर्माण, ट्यूबवेल, सोलर पंप सेट, उन्नत इनपुट और तालाब पर सेट निर्माण पर अनुदान दिया जाएगा। 16.70 लाख प्रति एकड़ का 80% की अनुदान दे होगा। योजना का लाभ लेने के लिए 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको fisheries.bihar.gov.in पर जाना होगा। इसका उद्देश्य राज्य के पठारी जिलों में तालाब निर्माण और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। इस योजना का कार्यान्वयन बांका, औरंगाबाद, गया, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर और रोहतास में होगा। प्रदेश में पुल पुलियों के सर्वे के बाद हुआ बड़ा खुलासा। बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर प्रदेश के पुल पुलियों का सर्वे करवाया गया था। ये सर्वे पथ निर्माण विभाग ने करवाया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। सर्वे प्रदेश के 1700 पुलों पर किया गया है, जिसमें से 3 दर्जन पुल ऐसे हैं जिसको तत्काल मरम्मत की जरूरत है। यदि इन पुलों का तत्काल मरम्मत नहीं करवाया जाता है तो कभी भी अनहोनी होने की आशंका है। पुल के खस्ते हालात को देखते हुए विभाग भी इसकी मरम्मत में लग चुका है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार दर्जनों पुल गिरने के मामले में तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार को घेरा था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार में 551 फीट लंबी निकली तिरंगा यात्रा। बिहार में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवाओं ने 551 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली है। ये यात्रा रामगढ़ चौक से शुरू होकर विभिन्न प्रमुख चौकों से होती हुई मोती झील तक पहुंची। यात्रा में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की झांकी, भारत माता की झांकी और महाकाल की झांकी शामिल की गई थी। इस तिरंगा यात्रा को देखने
रखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई। आकाश सहनी ने बताया कि ये तिरंगा यात्रा पिछले 7 वर्षों से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित की जाती है और इस बार 551 फीट का तिरंगा यात्रा निकाला गया है। सड़क पर इन इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकना पड़ सकता है भारी। पिछले कुछ सालों में सड़क पर जाम बढ़ गया है जिससे एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचने में कठिनाई होती है। यदि एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आ रही हो तो आपको उसे प्राथमिकता देनी चाहिए और रास्ता देना चाहिए। जानबूझकर एम्बुलेंस का रास्ता रोकना गंभीर अपराध है और इससे मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 194E के तहत ऐसा करने पर आपको 6 महीने तक की जेल की सजा या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। ये नियम फायर सर्विस और अन्य इमरजेंसी गाड़ियों के लिए भी लागू होती है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे गया के बारे में। गया बिहार का एक जिला है जहां बौद्ध धर्म का समागम विशेष रूप से देखने को मिलता है। यहां आप बौद्ध से जुड़े कई स्थल को देख पाएंगे। इस जिले में हर साल लाखों विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इस जिले में घूमने वाले स्पॉट की बात करें तो आप महाबोधि मंदिर जा सकते हैं। इसकी गिनती विश्व धरोहरों में होती है। इसके अलावा बोध गया, बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर, मंगला गौरी मंदिर और माँ बंगला स्थान शामिल है। आप चाहे तो यहाँ भी घूमने आ सकते हैं। समाज कल्याण विभाग बाल गृह से निकलने वाले किशोर किशोरियों के संवारेगा करियर। समाज कल्याण विभाग बाल गृहों से निकलने वाले किशोर किशोरियों पर भी ध्यान देगा। अभी तक विभाग द्वारा केवल 18 साल तक के ही बच्चों की देखभाल की जाती थी, लेकिन अब विभाग तरुण कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत आफ्टर केयर योजना के तहत होगी जिसमें 21 साल तक के किशोर किशोरियों के कैरियर संवारने के लिए उन्हें 4,000 रुपये की सहायता राशि हर महीने दी जाएगी। ये सहायता राशि किशोर किशोरियों को 23 साल की उम्र तक दिए जाएंगे ताकि ये बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके या अपने लिए किसी तरह के रोजगार की तलाश कर सके। दरभंगा में इस दिन हो रहा जॉब कैंप का आयोजन। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग द्वारा 17 अगस्त शनिवार को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेला रामनगर आईटीआई के निकट संयुक्त श्रम भवन लहेरिया सराय के कार्यालय परिसर में आयोजित होगा। इसका समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक है। सहायक निदेशक नियोजन अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा ने बताया है कि जॉब कैंप में ट्रेनिंग के लिए 200 पदों पर साक्षात्कार के बाद रोजगार दिए जाएंगे। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए, साथ ही उम्मीदवार ने आईटीआई पास किया हो। इसमें भाग लेने के लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी एनसीएस पोर्टल पर www.ncs.gov.in पर जाकर अपना निबंधन करें। स्त्री 2 में पंकज त्रिपाठी का प्रदर्शन रहा शानदार। काफी समय से दर्शक स्त्री 2 मूवी का इंतजार कर रहे थे। 14 अगस्त को ही ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित है उसके हिसाब से पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म कोई बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। फिल्म में श्रद्धा कपूर और राजकुमार के अलावे बिहार के पंकज त्रिपाठी भी मौजूद हैं। फिल्म में पंकज त्रिपाठी के परफॉर्मेंस को देखकर सभी इनकी खूब सराहना कर रहे हैं। इस कॉमेडी हॉरर फिल्म की दर्शक भी खूब तारीफ कर रहे हैं। इसरो आज बेबी रॉकेट करेगा लॉन्च। इसरो की तरफ से आज एक छोटा रॉकेट लॉन्च किया जाने वाला है जिसका नाम बेबी रॉकेट EOS-8 है जो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरेगा। इसके अलावा बेबी रॉकेट SR-0 नाम की डेमो सेट को भी अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। SR-0 का पूरा नाम स्पेस रिक्शा है। इसे चेन्नई के एक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। ये रॉकेट श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्चर सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। पूरे भारतीयों के लिए ये रॉकेट काफ़ी खास रहने वाला है क्योंकि इतने छोटे रॉकेट पर भरोसा करके इसे लॉन्च किया जा रहा है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक URSC के निदेशक डॉक्टर एम शंकरन ने बताया कि EOS-8 एक ऐसा सैटेलाइट है जिसमें भविष्य की तकनीकें लगाई गई हैं। सैटेलाइट का कुल वजन 175 किलोग्राम है। लाल किले से पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा। बीते दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने लाल किले से झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया गया है। एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय में काम शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमें सदियों पुराने उस नालंदा के स्प्रिट को जगाना होगा, नालंदा स्प्रिट को जीना होगा। आगे पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश का टैलेंट रुकना नहीं चाहिए। पटना के NMCH इमरजेंसी सेवा को डॉक्टरों ने किया ठप।
NMCH में रेजिडेंट डॉक्टरों ने गुरुवार को पटना में इमरजेंसी सेवा को ठप कर दिया है। ये कोलकाता की घटना के विरोध में किया गया है। इमरजेंसी सेवा को ठप करने के बाद डॉक्टरों ने अपनी बातें सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता में जो घटना हुई है उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। मेडिकल छात्राओं के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो ये सरकार और प्रशासन के लिए काफी शर्म की बात है। ऐसे में जब तक घटना में शामिल दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी जाती तब तक ये विरोध जारी रहेगा। शिक्षा विभाग हेडमास्टरों को मिड डे मील की जिम्मेदारी से करेगा मुक्त। शिक्षा विभाग बिहार के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टरों को मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी से मुक्त करने जा रहा है। अब स्कूल के हेडमास्टर बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से मिड डे मील को लेकर नई व्यवस्था बनाई गई है जिसमें हेडमास्टरों को इस जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन तैयार करने की योजना ग्रामीण पंचायत स्तर पर कर रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायत से ही स्कूलों के लिए भोजन की आपूर्ति की जाएगी। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अगले महीने के अंत तक इस पर डिसीजन फाइनल किया जा सकता है। आज बिहार के जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। बिहार में मॉनसून अपने पुराने रंग दिखा रहा है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि आज कुछ ही जिलों में बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। जल्द आ सकता है डेंगू वैक्सीन। तीसरे ट्रायल की चल रही तैयारी। हर साल डेंगू से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आती हैं। डेंगू से बचने के लिए डेंगू वैक्सीन तैयार किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये वैक्सीन जल्द ही सेवा में आ जाए। इस वैक्सीन को ICMR ने पैनेसिया बायोटेक के साथ मिलकर तैयार कर रही है। इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। अब आगे ये ट्रायल 18 राज्यों में किया जाएगा। इसमें 10,000 लोगों को ट्रायल के लिए शामिल किया गया है। आपको बता दें कि अभी तक के दो चरणों में डेंगू वैक्सीन का ट्रायल सफल रहा है। बिहार में इन तीन सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण का होगा काम। बिहार में करीब 100 किलोमीटर लंबाई में तीन सड़कों का चौड़ीकरण और निर्माण किया जाएगा। ये कार्य 294 करोड़ रुपए की लागत से होने वाला है। इन तीन सड़कों में दीदारगंज बख्तियारपुर रोड NH 106, अकबरपुर दुर्गावती नदी तक सड़क और नॉर्थ कोयल बरा फॉल से NH 2 तक जाने वाली सड़कों का निर्माण कार्य शामिल है। इसके चौड़ीकरण और निर्माण से कई जिलों के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। इसमें पटना, लखीसराय, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद शामिल हैं। BPSC TRE 3.0 के लिखित परीक्षा की जारी हुई OMR सीट। BPSC TRE 3.0 के लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के OMR सीट BPSC ने जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर जाकर इसे देख सकते हैं। इस संबंध में संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने जानकारी दी है कि आयोग की वेबसाइट https://onlinebpsc.bihar.gov.in पर 15 से 22 अगस्त तक OMR सीट उपलब्ध रहेंगे। इस तारीख के बाद वेबसाइट पर OMR सीट उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए अभ्यर्थी इस अंतिम तारीख से पहले ही अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर OMR सीट डाउनलोड कर सकेंगे। इन तरीकों को अपनाकर फ़ोन के स्लो या हैंग होने की समस्या में कर सकते हैं सुधार। अगर आपका स्मार्टफोन स्लो हो गया है या हैंग हो रहा है तो इसे सुधारने के कई आसान तरीके हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन के कैसे को क्लियर करें। इसके लिए आप सेटिंग्स में जाकर स्टोरेज पर क्लिक करें और क्लियर कैसे ऑप्शन चुनें। इसके अलावा आप सीधे किसी विशेष ऐप से भी कैसे को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, अपने फ़ोन के स्टोरेज को खाली करें। इसमें आप गैर जरूरी इमेज, वीडियो और फाइलें हटा सकते हैं। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करें क्योंकि नियमित अपडेट से नई सुविधाएं मिलती हैं और समस्याएं दूर होती हैं। चौथा, फ़ोन को रीस्टार्ट करें जो अक्सर प्रदर्शन सुधार सकता है। आखिरी में मैलवेयर की जाँच करें। एक वायरस स्कैनर इंस्टॉल करें जो संभावित खतरों को पहचान जान सके। इन तरीकों से आपके फोन के परफॉर्मेंस में सुधार हो सकता है। बिहार के रहने वाले वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने जताया दुख। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला देश है। बावजूद इसके भारत अपनी खपत को पूरा करने के लिए विदेश से कोयले का आयात करता है। इस मामले को देखते हुए बिहार से अपना संबंध रखने वाले वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कहा है कि जब भी मैं भारत के कोल इंपोर्ट में बढ़ोतरी से जुड़ी खबरों को पढ़ता हूं, मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने कोयले के इम्पोर्ट को फौरन बंद करने की मांग की।
आज अनंत सिंह के जेल से बाहर आने की संभावना। बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली कहे जाने वाले अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट द्वारा AK-47 समेत दो मामले में बरी किए जाने के बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। इसे लेकर इनके समर्थकों के बीच काफी उत्साह का माहौल है। बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह को आज शाम तक जेल से रिहा करने की संभावना है। हालांकि खबर लिखे जाने तक जेल प्रशासन को कोर्ट से रिलीज ऑर्डर नहीं मिला है। IPL 2025 और भी ज्यादा मनोरंजक बनाने की हो रही कोशिश। IPL 2025 को लेकर अभी से ही योजना बनाई जा रही है। इस बार मेगा ऑक्शन के आयोजन में कई खिलाड़ियों की टीमें बदल जाएंगी। इसी कड़ी में खबर सामने आई है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टूर्नामेंट में मैचों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के सचिव जयसा ने कहा है कि IPL में मैच बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि इस बार 74 मुकाबला देखने को मिल सकता है। जयसा ने कहा है कि हमने IPL 2025 के लिए 84 मैच करवाने का फैसला नहीं किया है। खिलाड़ियों पर पहले से ही लोड है। ये BCCI तय करेगी कि 74 मैच खेले जाएंगे या 84। IPL की कौन सी टीम आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1946 में बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगे भड़के थे, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आज के दिन वर्ष 2008 में कांगो में तैनात 125 भारतीय पुलिस अफसरों को संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के दिन वर्ष 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री, कवि, हृदय और प्रखर प्रवक्ता अटल बिहारी वाजपेयी ने 93 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी। आज के दिन वर्ष 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और कहानीकार थी। जनधन योजना के तहत सभी के खाते में जाएंगे 10,000 रुपए का वायरल हो रहा है ये दावा। टोटल जॉब नाम के एक यूट्यूब चैनल पर केंद्र सरकार और इनकी योजनाओं को लेकर कई झूठे दावे किए गए हैं। इस चैनल के थंबनेल में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा पीएम जनधन होली योजना 2024 के तहत पूरे भारत में सभी लोगों को 10,000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है, इसलिए इस तरह की खबरों में से सतर्क रहें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू होगी? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका सही उत्तर है हरियाणा। हाल ही में किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही उत्तर है बिहार। हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है बंधन बैंक, ऑप्शन बी है यस बैंक, ऑप्शन सी है PNB बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। इसका सही उत्तर है PNB बैंक। बाटा शू कंपनी ने बिहार में अपनी उत्पादक इकाई कहाँ लगाई है? ऑप्शन ए दीघा घाट, ऑप्शन बी है फतुहा, ऑप्शन सी है बेलागंज, ऑप्शन डी है राजगीर। इसका सही उत्तर है दीघा घाट, पटना। बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है रोहतास, ऑप्शन डी है दरभंगा। इसका सही उत्तर है दरभंगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिन के नाम है पंचम वर्मा, रामनवमी मांझी, चंदन कुमार, राजीव कुमार, अनिल कुमार, सूरज कुमार, रवि कुमार राम, ओमकार सिंह, नीतीश कुमार, नरेश शर्मा, बिरजू कुमार, अतीक खान, पुष्पलता ठाकुर, अतीक खान, मोहम्मद नुमान, रंजन प्रकाश, एजाज खान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।